अब दिख पा गया। कब से आप बोल रहे हैं हॉट सीट पहुंच गए आप हॉट सीट पे, और जो आपका नाम हुआ तो आप पूछ रहे मैं हूँ क्या, अपना नाम बोल गए क्या? मैंने पापा को देखो इतना खुशी से ऊपर हो गए, लाइक तो मुझे पता चला हॉट सीट पे तो मुझे खुद नहीं पता था मैं हॉट सीट पे आया, एक तो इतनी तालियां बज रही थी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो दिव्य सजनों मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं बहुत ही चुलबुले आर्यव शाह, ये फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और अहमदाबाद गुजरात से है। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब आपका। थैंक यू सर। और चुलबुले हमने इसलिए कहा कि जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ था तो बैठ करके आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमसे कही थी कि किस तरह आप लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा आपको घेरे रहती हैं और या बिल्कुल सही है, और लड़के ज़्यादा नहीं आते हैं, और हमने जब पूछा ऐसा क्यों होता है तो आपने कहा था कि क्योंकि मैं कृष्ण हूं। आज लड़के जो है ना वो सब एक साइड पर है और लड़कियां दूसरी साइड में, सिवाय एक के, आर्यव, ये बैठे हैं लड़कियों की तरफ। अच्छा आर्यव, ऐसा क्यों है कि आप उधर जा करके बैठ गए? एक्चुअली मेरे रिपोर्ट कार्ड में ये डाला था कि वो मेरे को कान्हा जी करके बुलाते, तो अभी कान्हा जी तो गोवे के बीच में ही तो रहते हैं, इसी ऐसे। और ये बाकी जितने हैं सब मेरी गोपियां हैं। मिस्टर आरिफ शाह, ये इतना ज्ञान आपको कहाँ से आ रहा है? सर एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसे बुक्स होगी, काफी है मेरे पास, लाइक बुक्स हैं उसमें आप पढ़ते हैं, कुछ 80-90 होंगे शायद। 80-90 मुझे नहीं पता मेरे पास कितने, क्योंकि मैंने आज तक काउंट नहीं किया है, लास्ट टाइम मैंने किया था 58 थे। 58 किताबें हैं आपके पास? अभी तक जहाँ तक मैं जानता हूँ, पर मैं जानता हूँ उससे ज्यादा ही है, डबल हो गई ये बुक्स। ओके जितना भी ज्ञान है आप किताबों से आपको मिलता है या कंप्यूटर से मोबाइल पे मिलता है? दोनों से। अच्छा कृष्ण और गोपियों की बात आपने कहाँ पढ़ी थी? मेरे पास एक्चुअली 3-4 माइथोलॉजी की बुक्स भी है। 3-4 माइथोलॉजी की बुक्स, उसमें ये निकला था 365, एक ऐसे हनुमान जी की, और महाभारत, और गीता भी। ये सब आपने पढ़ा हुआ है? एकदम। भाई साहब आपका रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या और बता देंगे आप हमको। ओके द रिपोर्ट कार्ड प्लीज। ये आ गया है आर्यव शाह, ऑल्सो क्यूटी पाई। हाँ ये सही नाम है आपका, हैं आप बिल्कुल क्यूटी पाई। मम्मी पापा ने रखा था। मम्मी ने रखा था? हमने सोचा कि वो जो गोपियां हैं आपकी उन्होंने रखा होगा। इनकी उम्र है 9 साल की। Okay. उद्गम स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन द फोर्थ स्टैंडर्ड ये पढ़ रहे हैं। व्हाट ही लाइक्स इज लग्जूरियस कार्स, लिविंग इन मुंबई, इंडियन माइथोलॉजी एंड मार्शल आर्ट्स। थोड़ा बहुत कर लेते। बड़ी बड़ी गाड़ी आपको पसंद है? हाँ, अच्छी, लाइक मैंने लिमोजिन देखी हुई है। अच्छा सच्ची में? मैं मजाक नहीं कर रहा। ही डिसलाइक्स लिविंग इन अहमदाबाद। अरे आप है अहमदाबाद में क्यों? व्हाई डू यू डिसलाइक एंड प्लेइंग गरबा? यू डोंट लाइक टू प्ले गरबा? नो नॉट एट ऑल। इतनी गोपियां सब आपके चारों तरफ नाचेंगी। अरे एक्चुअल में मुझे देखना अच्छा लगता है, लाइक स्वर्लिंग डांसिंग ऐसे अच्छा लगता है। तो सिर्फ देखना चाहते हैं आप? हाँ, खुद नहीं डांस? सिर्फ देखना है मेरे को। Okay. Like, और अहमदाबाद में रह रहे वहां क्यों नहीं आप रहना चाहते हैं? वहां का पानी, लाइक मेरे सोसाइटी में जैसा पानी आता है, लाइक वो सर में जाए तो पूरा रफ रफ हो जाता है दम। इसीलिए कभी कभी मेरे पापा है ना आरू से पानी भर के नहाते। खोल दिया भांडा आपने। ओके एम क्या है आपका? टू बिकम द होस्ट ऑफ KBC। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे भाई साहब। ओके यू नो हमको बहुत बुरा लग रहा है इसमें कि आप हमारी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। पेरेंट्स रिमार्क, ही इज लाइक लॉर्ड कृष्णा, नटखट बट क्यूट। वो तो बात हो चुकी है हमारी आपकी। ओके
भगवान कृष्ण की तरह हैं आप, गोपियां चारों तरफ घूमती रहती हैं आपके। हाँ, एक बार एक्चुअली जन्माष्टमी पे ऐसे फोटो भी आया हुआ है जिसमें मैं एक मोरपंख पहन रहा हूँ। तो मोरपंख डाला तो आप भगवान कृष्ण हो गए। वैसे वो ही तो पहनते हैं, और कौन पहनते हैं। अरे जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए अपने साथ? मेरी मम्मी और मेरे पापा। आपके मम्मी और पापा हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। घर में भी ऐसा ही है ये कि नहीं? हाँ सर, बहुत बोलता है। कभी कभी हमें डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दे। अभी तक तो एकदम सही कहा है इन्होंने, जो कुछ भी कहा है। अरे डरिया, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जब भूख लगती थी सब खाते हैं आप फाफड़ा वगैरह? हाँ, वैसे मुझे फाफड़ा ऐसे सब अच्छा नहीं लगता। मैं ढोकला खा लेता हूँ वैसे, खमन ढोकला। अच्छा। पर जलेबी मेरी फेवरेट है। जलेबी? जलेबी मिलती है वहाँ पर आराम से? आराम से वही, लाइक गुजरात है वो। ऑलराइट आरव सर। हाँ जी। एक्चुअली आपने आपने गलती से आरव बोल दिया, आर्यव है। आर्यव, सॉरी सर। मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मुझे आरव, आर्यन या आर्या भी कभी कभी बुला देते। बोल देते हैं लोग। हाँ। कुछ लोग मेरा नाम ही नहीं बोल पाते। नहीं नहीं, अभी हम बिल्कुल सही बोलेंगे, आर्यव बोलेंगे। हाँ। आर्यव जी, एक चीज पूछनी है आपसे। आप बॉर्न हुए अहमदाबाद में। ओके। फिर आपके पिताजी का ट्रांसफर हुआ मुंबई। ओके। तो आप मुंबई आ गए। ओके। फिर मुंबई से अभी आप वापस अहमदाबाद ट्रांसफर हो गया, यही मैं कह रहा हूँ। सर पता है, थोड़ा इधर उधर चलता रहता है, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो कनाडा से जाके आया हूँ। अच्छा, जब आप मुंबई में थे तो आपके कुछ दोस्त वगैरह थे कि नहीं? हाँ, काफी थे। काफी थे? बेस्ट फ्रेंड के नाम आम कुछ मान ले मैं आपको? जानवी और एक कियांश और दूसरा। पहले का नाम था जानवी, सबसे पहले उसे मिला था मैं, पर उससे पहले भी एक थी ही। वैसे मैं उसे चार पांच साल तक ऐसे दोस्त था। इसके बाद वो शिफ्ट हो गई कहीं घाटकोपर में आई थी, और उसके बाद जानवी आई। एक बार लिफ्ट में मिला था मैं उसे। इसके बाद ऐसे सब दोस्ती हो गई। ये जानवी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी आप उनके साथ टच में रहते हैं? हाँ, रहते हैं ना, लाइक काफी बार। कैसे रहते हैं? ऐसे सर, हमारे पास भी कंप्यूटर फोन होता तो है। क्या करें ऐसे लोगों का। भाई साहब, खेल को आगे बढ़ाएं या आपकी बातें सुनते रहें? सर मैं तो सोच रहा था जब आप बोलो तब बढ़ाते हैं। मुझे तो एक्चुअली बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली मैं थर्ड स्टैंडर्ड में मैंने इतना बातें किया हुआ है, लाइक हाथ भी ऊपर करता हूँ, मैम बोलते प्लीज रुको टाइम है, इतना बात किया है मैंने। अच्छा ये बात बताइए, मुंबई में तो आपके दोस्त थी, अहमदाबाद में भी आपने कुछ दोस्त बनाए? डेढ़ दोस्त बनाए। सर जैसे 7.5 है वैसे 1.5। तो 1.5 की धारणा आप बताएंगे कैसे होती है सर? 1.5 दोस्त कैसा होता है हमको बताएंगे आप? एक दोस्त जो लाइक पूरा दोस्त है, और उसके बाद एक ऐसे दोस्त जो लाइक अभी तक आधा आधा लाइक टाइप दोस्त बन गया है, पर थोड़ा बातचीत में ऐसे हो जाए तो ठीक है लाइक। मतलब आधा दोस्त है वो। ये 75 लाख का है। 75 लाख 1 करोड़ से थोड़ा इजी है या टफ है? आप जानना चाह रहे हैं कि 75 लाख वाला जो प्रश्न है वो इजी है या नहीं? 1 करोड़ के मुकाबले? 1 करोड़ के मुकाबले नहीं। OMG। एक चीज बताइए आप भाई साहब, 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। यस सर। आप हमारी कुर्सी पे क्यों आंख डाले हुए हैं? सर ऐसा KBC का होस्ट बनना भी लाइक बहुत बड़ी बात है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि KBC का होस्ट आपको बनना है? सर लाइक वैनिटी मिलती है अच्छी। सर वैनिटी भी मिलती है, रुपए भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लाइक लिमोसिन तक मिलती है। आपको बहुत शौक है कि आप मेरी कुर्सी उस पर आ जाएं। आ जाइए आप इधर।
ठीक है और ऑल द बेस्ट। क्या आराम है, एकदम गरम कुर्सी पे बैठ गए हम। अब हरिओम जी खेल को अब आपको चलाना है, चलाइए। यस सर। ज्ञाननाथ जी हमारे सामने बैठे हैं श्री अमिताभ बच्चन। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे पर अभी फिलहाल हम इनका रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन कूल एंड स्टैंडर्ड। ये जहाँ से खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लाइक कोचिंग फॉर पिक्चर्स गेटिंग वड़ा पाव। यू लाइक गेटिंग वड़ा पाव? हाँ जी। रिसाइटिंग पोएट्री अंकित सर। एक्चुअली फुटबॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी आपको अच्छा लगता है लेकिन फिलहाल लिखा है कि मुझे अच्छा लगता है। सर वैसे मुझे खेलना अच्छा लगता है। आपको खेलना अच्छा लगता है। एंड होस्टिंग केवीसी डिसलाइक्स कॉम्प्लीमेंट्स ये क्यों सर? यानी कोई हमारी तारीफ वारीफ करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। सर मुझे तो ऐसा लगता है जितनी तारीफ करनी है कर लो, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। और इनका एम यह है टू प्रोटेक्ट हिज होस्ट सीट फ्रॉम ए किड, उससे बचना है और आप पहुंच गए वहां। रिमार्क्स ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। ओके हमने सुना हुआ है कि आप बहुत पंक्चुअल है। हाँ जी ये सच है? बिल्कुल सच है। एंड वेयरिंग फंकी आउटफिट्स लाइक्स में ये फंकी है ना एकदम। फंकी तो मैं भी थोड़ा पहनता हूँ। ये जानबूझ के ऐसे पहनाया है सर? क्योंकि हमें बताया गया कि ये जूनियर है कार्यक्रम, इसलिए आपको भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप उनके हम उम्र लगें। सर हम आपको दो फोटो दिखाएंगे और उसमें आपको बताना है कि आप तब क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और आपको ये क्यों पहनना था। हमारी? हाँ। कहाँ है? दिख गए, ये पहली वाली। सर ये आप क्यों ऐसे कर रहे थे? ऊपर देखिए क्या लिखा है। हैप्पी न्यू ईयर। ओके ये चश्मा टोपी और वो जो है ना हैप्पी न्यू ईयर, ये हमको आराध्या ने दिया था। तो नया साल जब मनाया गया घर में सर, तो उन्होंने हमको ये सब दे दिया, हमने उसको पहन लिया और फोटो भी ले लिया और उसको छाप दिया। सर वैसे पहले एपिसोड में जो आपने जूते पहने थे एकदम सेम कलर के आपकी हैं। हाँ वही सेम कलर ग्लासेस हैं। माफी चाहते हैं, अभी हमने नहीं पहना हुआ उनको। ओके। तो गलती हो गई हमसे। सर ऐसे sorry. कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। ये कौन सी टाइप का टेक्नोलॉजी है? थोड़ा आ गई। सर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो सच्ची में आपकी आंखें इसके पीछे हैं। भाई साहब ऐसा था कि ये उस जमाने की बात है जब कोविड फैला हुआ था और कोविड के टाइम पे हमको खेलना था ये खेल, तो ये चश्मा था कि ऐसे लग जाए चश्मा ताकि कोविड जो है वो आंख के जरिए अंदर ना घुस सके। पर हमने तो आपके सबके सब केबीसी के एपिसोड्स देखे और एक भी ऐसा नहीं दिखा है। नहीं ये एक रिहर्सल था, उस समय हमने पहन लिया था। पर सर ये केबीसी 2020 था, 2021 या अभी का? 2021 में हमने ये पहना था। ओके भाई साहब, तो अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास। सर मुझे अपनी सीट पर वापस जाना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिग हैंड फॉर आर्यव, कम आर्यव। Well done, Bobby. Thank you, come, sir. Come, 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 come. बहुत ऊंचा है आपके लिए। Okay? Yes. Yes.
मेरे साथ जो सामने बैठ गई हैं हॉट सीट पर, प्राप्ति शर्मा जी, ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई हैं। प्राप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप हॉट सीट पर आ गई। थैंक यू सर। पर उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। जब से जितने बच्चे यहाँ आए हैं क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं हमसे। जी बोलिए, आप भी पूछ लीजिए। मैं आपको बाबा बुला सकती हूँ? बाबा? हाँ। ओह थैंक यू। क्योंकि मैं मेरे दादाजी को भी बाबा बुलाती हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल मेरे दादाजी से ऐसे ही लगते हो, इसलिए मैं आपको बाबा ही बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच प्राप्ति। ऑलराइट प्राप्ति, गेम शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं आपका पहले, ठीक है? रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए प्राप्ति शर्मा जी का। ये आ गया। प्राप्ति शर्मा, 8 इयर्स ओल्ड, स्कूल एंड स्टैंडर्ड BDM इंटरनेशनल स्कूल इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, लाइक्स एक्टिंग, डांसिंग, जंक फूड एंड मेकिंग मिनिएचर आर्टिफैक्ट्स। ओ, व्हाट यू डिसलाइक इज घर का खाना। ओ, घर का खाना पसंद नहीं है। एंड द फैक्ट दैट शी हैज टू चूज बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रेंड्स। उनका एम है टू बिकम एन एक्ट्रेस। ओके, और पेरेंट्स का रिमार्क ये है कि ये हर किसी की नकल करती हैं, ये मिमिक्री क्वीन है। वो ऑलराइट प्राप्ति, आप एक एक्ट्रेस बनना चाह रही हैं? हाँ। अब क्यों बनना चाहती हैं एक्ट्रेस? क्योंकि मुझे एक्ट्रेस बनके फेमस होना है। फेमस बनना है? हाँ। आपको लगता है कि एक्ट्रेस बनके ही आप फेमस हो सकती हैं? नहीं, लगता तो नहीं है, पर मतलब एक्ट्रेस बनने के बाद मतलब सब कोई ऑटोग्राफ लेते हैं ना, ऐसे हाँ। मतलब कोई ऑटोग्राफ ही नहीं लेता। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ। कुछ आपने अगर देश के लिए कुछ किया, कुछ पढ़ाई में आपने अव्वल नंबर पाए, या आपको कोई डॉक्टरेट मिल गई, या आपने कोई खिताब जीत लिया, या आपने कोई अवार्ड जीत लिया जो कि इंटरनेशनल अवार्ड है, उसमें भी आपका नाम अगर हो जाए तो लोग आपकी ऑटोग्राफ लेने आएंगे? पर मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। आपको एक्टिंग करना पसंद है? ओके, तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप हमारे ही व्यवसाय में आना चाह रही हैं। और हमारी अगर उम्र रही तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हमें काम करने का कभी अवसर मिलेगा। हाँ। ना ओके। हाँ। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी, ओके, क्यों? क्योंकि वो मतलब बहुत अच्छा एक्टिंग भी करती है और मैंने उनकी बहुत सारी फिल्म भी देखी है, वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। बहुत सुंदर लगती हैं आपको? ओके, ऑलराइट प्राप्ति जी, अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए? मैं मेरी मम्मी को लाई हूँ। आपकी मम्मी आई हुई हैं, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। भूख लग रही है बहुत प्राप्ति जी, बता दें आपको शिक्षा की बात बोलकर। तो आपके जो हम रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे उसमें लिखा था कि आपको जंक फूड पसंद है और घर का खाना पसंद ही नहीं है, क्यों? क्योंकि घर का खाना में एक दिन तो खाना पड़ता है ना। हाँ, ये तो हाँ, सेहत बनाने के लिए तो खाना पड़ेगा ना, तो मैं 3 दिन बाहर का खाना खाती हूँ, 1 दिन घर का खाना खाती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी डांटेगी ना, इसीलिए। हाँ, मम्मी बनाती हैं आपके लिए खाना? हाँ। आपको उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, पर मैं घर का खाना कम खाती हूँ। बाहर के खाने में क्या मिलता है आपको? मैं पापड़ी चाट खाती हूँ, पाव भाजी खाती हूँ, पिज्ज़ा खाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ और चिप्स खाती हूँ, मैं भेलपूरी खाती हूँ, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। एक काम कीजिए ना, आप मम्मी को बोल दीजिए मेरे लिए सब बताओ, घर में हम खाएंगे इसको। घर के खाने में मतलब बाहर के जैसे स्वाद नहीं आता ना, इसीलिए। इधर हम देखेंगे। आपको क्या पसंद है बाहर का खाना? मुझे घर का खाना पसंद है। ओ। क्योंकि अगर इधर उल्टा सीधा बोल देंगे तो घर जाएंगे तो मार पड़ेगी हमको। सही बात है। सही बात है ना। हाँ हाँ।